हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4th, द रेड ट्रैप। एंड वी हैड रेड द चैप्टर अप टू द लास्ट वर्ड साउंड। द रामेश्वर आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal carrots. The Ramasjo iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter. The word smelter stands for here an industrial plant with a number of small plants like boiler, smelter. Okay, such kinds of plants were also installed there in that industrial plant, in that iron industry. The Ramasjo iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant. The Ramasjo iron works, which has been shut down nowadays, which is not working. All the plants in this industrial, all the plants in this iron industry or in this Ramasjo iron industry are not working nowadays. Only one or two plants are working. Most of the plants have been shut down. So through this first statement in this passage, it is told to us that the Ramasjo iron works, which had once become so much popular, whose all plants used to work, before some days, have been totally out of works, except only one or two plants. Almost all the plants in this iron industry have been closed down, except one or two, which are still working, which are still in functioning order in Hindi. The Ramasjo iron works, Ramasjo लोहे के जो कारखाना, लोहे का जो कारखाना है, उस कारखाने में बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, which are now closed down. Ramasjo लोहे के उस उद्योग में काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स को आजकल बंद कर दिया गया है. वर नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट, वे सभी के सभी प्लांट्स एक साथ काम करते हुए एक बहुत बड़े उद्योग को चलाया करते थे, लेकिन आजकल वो रामसजो जो इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री, वो लगभग बंद पड़ी है, छोड़ करके कुछ एक या दो प्लांट को. विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, उस रामसजो नामक लोहे के उस कारखाने में कच्चे लोहे को हीट करके और एक विशेष प्रकार की क्वालिटी का लोहा तैयार किया जाता था. वो सभी प्रकार के लोहे को पिघलाने वाले प्लांट
रोलिंग व्हील लोहे को अलग ढंग से शेप देने वाली जो रोलिंग व्हील जो थी वो प्लांट एंड फोर्ज, और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी कार्यशाला जो वहाँ चला करती थी वो सभी कार्यशाला, फोर्ज स्टैंड्स फॉर एयर रूम शेप्ड लार्ज वर्कशॉप इन विच ए फर्नेस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इज ऑल्सो मेड। भट्ठी जो है वो अंदर जल रही होती है, लेकिन वो जो भट्ठी जल रही होती है वो किसी एक फोर्ज के वहाँ एक कार्यशाला होती है, उस कार्यशाला के अंदर इसको बनाया जाता है। द रामेस जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट, ऐसा बताया जाता है कि रामेस जो लोहे का वह उद्योग जो कुछ दिनों पहले तक एक बहुत बड़ी लोहे उद्योग की एक इकाई हुआ करता था जिसमें बहुत सारे प्लांट्स काम किया करते थे, चालू थे, अब उनमें से ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं, चाहे वो हम लोहे को पिघलाने वाले प्लांट कहें, चाहे लोहे को हम अलग शेप देने वाले प्लांट कहें, स्मेल्टर, रोलिंग व्हील और भट्ठी इत्यादि जहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता था, वो लगभग सभी प्लांट्स बंद पड़े हैं, केवल एक या दो प्लांट ही वहाँ पर काम करने लग रहे हैं, ऐसा लेखक बताता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बाजीज एंड स्काउज, बाजीज एंड स्काउज स्टैंड्स पर फ्लैट बॉटम्ड बोट्स मीन्स द बोट्स मेड ऑफ वुडन लॉग्स प्लैंक्स, काठ के तख्तों से, काठ के फट्टों से बनाई गई, काठ के फट्टों के रूप में बनाई गई नौकाएं जिन फट्टों के ऊपर लोहे के सरियों को लाद दिया जाता था और वे नौकाओं के तौर पर वे फट्टे प्रयोग में लिए जाते थे, काम में लिए जाते थे, उस प्रकार के फट्टों की बात की जाती है, जिसके लिए यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं, दोनों का एक ही जैसा ही मीनिंग है बेटा। बाजीज एंड स्काउज का मीनिंग आप लिख सकते हैं, क्या बताया मैंने, बाजीज एंड स्काउज मीनिंग्स अभी बताया, फ्लैट एफिलेटी फ्लैट बॉटम्ड BOTTOMED बॉट्स। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बाजीज एंड स्काउज स्लिड डाउन, स्लिड डाउन द कैनाल। इन द समर सीजन इन द हॉट समर डेज इन दैट रामेसजो इंडस्ट्रियल प्लांट व्हेन द क्वालिटी आयरन हैड बीन प्रोडक्टेड सो द पीपल वर्किंग देयर यूज टू लोड ऑल द क्वालिटी प्रोडक्ट मेड ऑफ आयरन ऑन द फ्लैट बॉटम्ड बोट्स दोज वुडन प्लैंक्स एंड दोज द फ्लैट बॉटम्ड बोट्स विच वर हैवीली लोडेड विद पाइल्स ऑफ आयरन वर्क्स आयरन प्रोडक्ट्स were slid down into the water of the canal। नहर के पानी में उन भारी भरकम तरीके से लदी हुई, नहर के अंदर भारी भरकम लोहे के सामान से, लोहे के उत्पाद से लदी हुई वे जो काठ के लकड़ियों की, काठ के फट्टों की जो बनी हुई फट्टों के तौर पर बनाई गई जो नौकाएं थी, उन सभी नौकाओं को वहां पर फिसला दिया जाता था, टहला दिया जाता था, और उनको टहला करके और नहर के माध्यम से उनको किसी स्थान पर आगे भेज दिया जाता था। किधर? Those the heavily loaded flat bottomed boats used to carry all the product to the domestic island at the far end of the city, to the domestic lake, उस घरेलू झील की तरफ, उस घरेलू एक बहुत बड़ी घरेलू झील थी
वहां की उनकी अपनी एक उसी देश की अपनी जो है ना एक झील थी, उस झील के अंदर उस झील के किनारे पर वो वहां पर उसको सामान को पहुंचा देती थी वो सभी नौकाएं। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल एंड इन द डेज ऑफ विंटर सीजन वन कुड इजीली सी दैट ऑल द रोड्स आउटसाइड द मिल आउटसाइड दैट इंडस्ट्रियल प्लांट रामस जो इन आयरन इंडस्ट्री हैड बीन क्वाइट ब्लैकेंड विद द डस्ट ऑफ द कोल दैट हैड शिफ्टेड डाउन दैट हैड सेपरेटेड आउट दैट हैड सेपरेटेड आउट और दैट हैड मूव्ड आउट फ्रॉम द कैरेट्स फ्रॉम द बास्केट्स ऑफ द चारकोल्स From the baskets of the charcoals, all the coal dust which shifted down from the big charcoal carrots. The word carrots stands for here big containers, just like baskets. तो बड़ी बड़ी जो कच्चे बड़ी बड़ी जो टोकरियां थी उन बड़ी बड़ी टोकरियों में जो कच्चा कोयला डाल करके और वहां पर जब लाया जाता था तो उस बड़ी बड़ी टोकरियों में कच्चा कोयला भर करके जब लाया जाता था तो उस सर्दियों के दिनों में तो उस कच्चे कोयले की जो रखी होती है डस्ट जो होती है वह रास्ते में कहीं को टूट फूट होती थी या वैसे भी जब रास्ते में उसको लाया जाता था तो छन छन करके शिफ्टेड का मतलब छन्ना होता है शिफ्टेड मीन्स छन्ना होता है ओके मूव आउट थ्रू सीव SIEVE स्ट्रेनर जिसको बोलते हैं स्ट्रेनर छन्नी तो छन्नी में से अर्थात उस छन्नी का मतलब वहाँ कोई छन्नी नहीं लगा रखी होती बेटा लेकिन जो काठ की जो कैरेट्स होती हैं प्लास्टिक या काठ की जो भी कैरेट्स होती हैं उनके नीचे थोड़ा स्पेस खुला सा तो होता ही है थोड़ी जगह होती है ठीक है तो उस जगह में से वो कच्चा कोयले की जो डस्ट होती है वो झड़ जाती थी नीचे गिर जाती थी और गिर गिर करके और उस रामस जो आयरन लोहे के कारखाने के बाहर की जो सड़कें थी उनको बहुत ज़्यादा जो है ना काले रंग से रंग दिया करती थी बहुत ज़्यादा कालापन वहाँ पर दिखाई दिया जाता था देखा जा सकता था सारी सड़कें काली पड़ी रहा करती थी काली हो जाती थी कोयले की उस गर्द से कोयले के उस डस्ट से ऐसा बताया गया यहाँ पर ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन ओके विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस नाउट इवनिंग स्टैंड्स फॉर नाइट्स ओके ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस बिफोर 25th of December During one of the long dark nights, the master blacksmith and his helper, the master blacksmith and his assistant, they both sat quite comfortably in the dark forge. But a forge stands for here workshop, iron workshop. And inside the forge, a furnace is also constructed, is also made. Okay, I tell you here. Suppose this is forge, okay, and in this forge here the blacksmith is sitting, here the assistant of the blacksmith is also sitting, and in this part here like this the furnace is dug out in the ground aur zameen ke andar ek bhatti khodi jati is prakar se थोड़ा हॉरिजेंटल फॉर्म में होती लंबी होती आगे की तरफ फैली हुई तो वहाँ उस भट्टी के अंदर कच्चा कोयला डाला हुआ होता है और यहाँ बैठ कर के लोग यहाँ से कोयल लोहे की जो सरिये होते हैं रॉड्स होती हैं उनको उस भट्टी में आगे इस प्रकार से डाल देते हैं और अंदर कोयला जल रहा होता है तो वो कोयला जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको बाहर निकाल करके और किसी लोहे के टुकड़े पर रख करके उसको अलग शेप में उसको तैयार किया जाता है उसको बनाया जाता है इस प्रकार से वो काम करने में लगे होते हैं तो जो रूम शेप्ड जो एरिया है उसको फोर्ज बोला जाता है फोर्ज के अंदर जो खुदाई करके जमीन को खुद करके जो चीज़ बनाई जाती है उसको फर्नेस कहा जाता है वो भी भट्टी होती है मेन भट्टी जिसको कहा जाता है इसमें आग जलाई जाती है ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर
Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. कच्चा लोहा होता है उसके लिए आता है pig iron, crude iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. The word anvil stands for here hard mass of iron. Hard mass compacted part of the iron, यानी कि blocked iron भी कह सकते हैं उसको, blocked iron. जैसे कि कहीं पर कोई लोहे का कुछ ऐसा हिस्सा हो जो जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उस जमे हुए लोहे के हिस्से को एक जगह पर इकट्ठा जब देखा जाता है तो उसको इकट्ठा होता है, वो 6x6 भी हो सकता है, 6 इंच खड़ा होता है, 6 इंच चौड़ा होता है, उसकी लेंथ ब्रेथ जो होती है 6x6 होती है, या 4x4 भी हो सकती है, 3x3 भी हो सकती है, जितना भी होता है उसका जमा हुआ हिस्सा, उसको हिंदी में बोलते हैं अहरण. अहरण बोला जाता है, अहरण, अहरण यानी कि उस लोहे के, लोहारों के वहां तुमने देखा होगा, यू हैव, आई थिंक यू हैव श्योरली, यू मस्ट हैव श्योरली सीन इट दैट व्हेन द ब्लैक स्मिथ स्टार्ट बीटिंग द पार्ट ऑफ सम आयरन, सो दे पुट द आयरन रोड और सम अदर मटेरियल ऑफ आयरन ऑन दैट एनविल, so that it can be easily given some shape, okay, and it can be beaten very hard without any problem. उसको बहुत अच्छे से ढंग से उसको चोट मारी जा सके और वो नीचे धस ना सके, इसलिए उसके लोहे को, उस टुकड़े को नीचे लगाया जाता है. तो ऐसा बताया जाता है बेटा यहाँ पर, during one of the long dark evening just before Christmas, okay, before the main festival of Christmas, before 25th of December, during one of the long dark nights, the master blacksmith and his assistant, they both were sitting quite comfortably in their dark forge room near the furnace, okay, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. They were waiting for the pig iron thinking as soon as it got heated and become very red, so they would take it out from the furnace and put it on the anvil and they would start hammering it to give it a new shape. Okay, every now and then one of them got up to stir means move the glowing burning mass stands for a charcoal with a long iron bar. Okay, frequently one of these two persons left their place in order to move the burning charcoal inside the furnace with a long piece of iron, with a long bar of iron, lambe ek lohe ki chhadi se, lambe ek lambi si lohe ki chhadi se, sariye se, aur jo us bhatti mein jal rahi aag ko thoda sa hilane ke liye taki aur thodi zyada ekdam jo hai na उसको जल्दी से, उस लोहे को जो अंदर उसमें रख रखा होता भट्टी में, वो जल्दी से गर्म हो जाए, इसलिए और उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से आग को जागृत करने के लिए, आग को थोड़ा सा और तेज करने की खातिर वो लोहे के सरिये से बीच बीच में उस आग को, उस कोयले को छेड़ते थे, हिलाते थे, ताकि आग और थोड़ा थोड़ी ज़्यादा तेजी से जल सके. रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स डूइंग दिस वर्क वन ऑफ दिस टू पर्सन्स okay, whenever one of these two persons stood up and went very near to the furnace, main entrance of the furnace, and start moving or stirring out the burning or glowing part of the charcoal with a long piece of iron, with a long iron bar, so the same person returned in few moments dripping with perspiration. तो कहता कि पसीने के साथ में लथपथ पसीने के साथ में पसीना उसके शरीर से टपकता रहता था, टपकते हुए पसीनों की बूंदों के साथ में वो वापस अपने स्थान पर आता था, क्योंकि आग के बिल्कुल समीप उस के पास में वो खड़ा हो जाता था और उसको इस प्रकार से काफ़ी सारा पसीना भी आ जाता था. दो एज वॉज इज कस्टम बिकॉज इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू डू दैट वर्क, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, सो दैट द पर्सन दैट द ब्लैक स्मिथ वोर नथिंग एक्सेप्ट अ लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, एक तो लंबा सा कुर्ता और एक जो है ना लकड़ियों का बना हुआ जोड़े का लकड़ियों का बना हुआ एक जूता
एक जोड़ी जूता जो है ना वो पहन करके रखा करते थे अपने पैरों में, इसके अलावा वो कुछ नहीं पहनता था। यह उनकी अपनी परंपरा थी। इस प्रकार से वे दोनों के दोनों लोहार जो है ना बारी बारी से उठ करके और वहाँ उस भट्ठी में जल रहे उस लोहे को, भट्ठी में जल रहे उस कच्चे कोयले को थोड़ा सा और ज़्यादा जागृत करने के लिए, और इस प्रकार से अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर के, सरिया लेकर के, और उसको हिलाने में लगे रहते थे बीच बीच में खड़े होकर के, जैसा कि मानो वह उनकी अपनी परंपरा हो इस प्रकार से काम करने की। और वह लोहार जो भी वहाँ पर, उन दोनों लोहारों में से प्रत्येक एक लोहार के बारे में बताया जा रहा है कि वह लोहार जो कि लोहे का काम करने के लिए वहाँ पर नियुक्त किया हुआ था, वह और कुछ नहीं पहनता था बल्कि एक लंबा सा कुर्ता और साथ में काट के जूते, बस ये दो चीज़ें वो पहन कर रहा था। तो जिस पैसेज को आपने पढ़ा है इसमें क्या पढ़ा आपने? ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, ऐसा पढ़ा है इसमें आपने कि भाई क्रिसमस के त्यौहार से पहले दिसंबर महीने की लंबी रात्रियों के दौरान, लंबी रात्रियों में से किसी एक रात्रि के दौरान, लंबी इवनिंग्स का शाम का समय होता है लेकिन हम बात कर रहे हैं रात्रियों की, लंबे समय तक बनी रहने वाली रात्रियों में से किसी एक रात्रि के दौरान मुख्य लोहार और उसका अपना सहायक कर्मचारी, उसका अपना असिस्टेंट, उसका अपना हेल्पर, दोनों के दोनों गहरी काली बिल्कुल अंधेरे से युक्त कहिए आप, वहाँ पर वैसे कुछ उजाला था तो वह उजाला भट्टी में जल रहे कच्चे कोयले की जो आग जो जल रही होती थी, उस आग का जो प्रकाश होता था उसी प्रकाश को वहाँ देखा जाता था और कुछ वहाँ पर नहीं जलाया हुआ होता था। तो उस अंधेरे वाले उस कार्यशाला के अंदर वो बैठे वो होते थे, उस भट्टी की बिल्कुल प्रवेश द्वार के साथ में ही नज़दीक से ही अपने उस कच्चे कोयले को गर्म होते हुए देखने के इंतजार करते हुए कि कब वो कच्चा कोयला, कब वो कच्चा लोहा जो हमने उसके अंदर डाला है भट्टी में वो कितनी जल्दी से वह एकदम लाल हो जाए, गर्म हो जाए, ताकि उसको वहाँ से निकाल करके विच हैड बिन पुट इन द फायर, जो उन्होंने आग के अंदर डाला हुआ था, उस आग के अंदर रखे हुए डाले हुए उस कच्चे लोहे के उस सरिये को गर्म होने का इंतजार करते हुए, गर्म होने तक का इंतजार करते हुए वहाँ पर आराम से बैठे हुए होते थे, ताकि जैसे वो गर्म हो जाए तो टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। तो वो इस हालात में जब उनको दिखाई दे जाए कि भाई वो अहरण के ऊपर लोहे के जमे हुए उस हिस्से, एक अलग सा लोहे का जमा हुआ हिस्सा होता है, लोहे का जमा हुआ हिस्सा का मतलब कोई भारी भरकम लोहे का एक टुकड़ा जिसके ऊपर किसी लोहे के सरिये को रख करके उसको हथौड़ों की चोट से और एक अलग आकृति में, अलग शेप में उसको तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा काम करने की खातिर वो बस भट्ठी के अंदर जल रहे, भट्ठी के अंदर रखे हुए उस कोयले, उस लोहे को अच्छे से ढंग से गर्म हो जाने तक का इंतजार करते वहाँ बैठे रहते थे। बीच बीच में उन दोनों में से कोई भी एक, कभी मुख्य लोहार तो कभी उसका अपना असिस्टेंट, उसका अपना हेल्पर, वहाँ उस भट्ठी में जल रहे कच्चे कोयले को एक लंबे लोहे की उस छड़ी से, ठीक है, थोड़ा हिलाने की खातिर वो अपनी जगह से उठ करके वहाँ पर भट्ठी के प्रवेश द्वार के बिल्कुल समीप से खड़े होकर के उसको लोहे के सरिये से उस कोयले को थोड़ा हिलाने के लिए चला जाता था। फिर वापस जब वो लौटता था तो उसके शरीर से बहुत सारे पसीनों से लथपथ टपकते हुए पसीनों की बूंदों के साथ में कुछ ही चरणों के बाद में वापस लौट करके वापस अपनी जगह पर आ जाता था। यह ऐसा लगता था जैसे कि मानो यह उनकी अपनी एक काम करने की कला हो, एक काम करने का अपना उनका ढंग हो, रिवाज हो। वह लोहार कुछ ऐसा और कोई वस्त्र नहीं पहनता था, कोई पोशाक अलग से नहीं पहनता था, बस मात्र के लंबी सा कमीज और एक जोड़ा जूता पहनता था, काठ के जूते पहन करके रखा करता था। अब बेटा इससे अगला जो पैसेज है इसको देखो, मैं इसको थोड़ा हिंदी में समझाना चाहूँगा क्योंकि ना आपको इंग्लिश में शायद समझ में बैठेगा नहीं। एक तो ये वर्ड देखो क्या है, बिलोज। बिलोज का मतलब होता है ए काइंड ऑफ मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज टू ब्लो द करंट ऑफ एयर, मतलब जिसको हवा भेजने के लिए आग को और थोड़ा तेज प्रज्वलित करने के लिए, आग को थोड़ा सा हवा, आग तक हवा पहुंचाने के लिए उस मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए बिलोज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको धौंकनिया बोला जाता है। एक वर्ड यहाँ पर आएगा सोवल्ड। सोवल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को उठाना, लिफ्ट इट लूज मटीरियल विद द हेल्प ऑफ अ
डिवाइस, ठीक है, उसके लिए आता है सॉल्वेंट। चारकोल कच्चा कोयला होता है। मौ का मतलब होता है एंट्रेंस, एंट्रेंस, ओके। इसके बाद में विप्ट का मतलब बीट होता है, बीट हार्ड। चलिए, ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, सो वन कुड हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स दैट वर गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड द फॉर्ज ऑल्सो, बट स्पेशली हियर द वर्ड इनसाइड शुड बी यूज्ड बाय अस। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, वन कुड हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स ओके इन द फॉर्ज। वन कुड इजिली हियर एवरी टाइम डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स इन द फॉर्ज। द बिग बिलोज ग्राउंड क्राइड्स ओके और क्राइड लाउडली, धौकनियाँ गुर्राना होता गुर्राने के लिए, धौकनियों की गुर्राने की आवाज़। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड ब्रोक इन टू पीसीज, एंड वैन द बर्निंग कोल ऑल्सो ब्रोक इन टू पीसीज तो इट ऑल्सो मेड सम काइंड ऑफ साउंड। तो कहता है कि उस भट्टी के अंदर जल रहे कच्चे कोयले की टूटने की आवाज़ होती थी तो उसकी भी आवाज़ जो है ना हल्की सी आवाज़ वहाँ सुनाई पड़ती थी। द बिग बिलोज ग्राउंड, बड़ी बड़ी वो हवा पास करने वाले उन धौकनियों में किसी बड़ी बड़ी उन धौकनियों की चलाने की आवाज़ गुर्राने की आवाज़। द बर्निंग कॉल क्रैक्ड, जल रहे उस कोयले की टूटने की आवाज़। द फायर बॉय सोवल्ड चारकोल इन टू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, अपने पैरों में काट के जूते पहन करके जब वह इस प्रकार से बहुत सारा अच्छा कोयला अपने उस फावड़े में डाल करके उसके भट्टी के प्रवेश द्वार के अंदर जब डालता था तो उसके अपने पैरों के नीचे कच्चा कोयला टूटता था तो उसके टूटने की आवाज़। आउटसाइड रोएड द वाटरफॉल, उस भट्टी के बाहर के हिस्से में झरना चल रहा होता तो झरने की पानी की गिरने की आवाज़, झरने से पानी गिरने की आवाज़। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप द रेन अगेंस्ट ब्रिक टाइल रूफ, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ और ईंट की टाइलों से बनी हुई छत के ऊपर एक तरफ बरसात हो रही होती तो दूसरी तरफ बहुत तेज उत्तरी छोर से चलने वाली हवा, जब दोनों का आपस में टकराव होता था तो एक बहुत पैनी सी आवाज़ निकलती थी। उस पैनी सी आवाज़ को भी वहाँ सुना जा सकता था हर समय। इस प्रकार से वो कहता है कि रामस जो लोहे के उस कारखाने के उस मुख्य कार्यशाला के अंदर और बाहर इस प्रकार की आवाज़ें बनी रहती थी। अंदर तो जो आवाज़ होती थी देयर वर थ्री काइंड्स ऑफ साउंड्स विच वन कुड सी हियर देयर इनसाइड द फोर्स। नंबर वन द साउंड ऑफ ग्रोनिंग, द साउंड ऑफ ग्रोनिंग बिलोज, द साउंड ऑफ क्रैकिंग और ब्रेकिंग द बर्निंग कोल। द थर्ड द साउंड ऑफ ब्रेकिंग ओके द चारकोल, पीसीज ऑफ चारकोल। द नेक्स्ट वन आउटसाइड द फोर्ज वन कुड हियर द साउंड ऑफ द वाटरफॉल, साउंड ऑफ द वाटर फॉलिंग फ्रॉम सम हाई लेवल और हाई स्पेस ऑफ हाई पॉइंट ऑफ सम स्पेस ऊपर का कोई हिस्सा जहाँ पर वो पानी झरने जो लगा रखे थे ऊपर से नीचे जब पानी गिरता है झरनों से तो किसी एक जगह के ऊपर ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहे उस झरनों से पानी के गिरने की आवाज़। एंड द साउंड ऑफ द स्ट्राइकिंग बोथ द विंड एंड द रेन ऑन द ब्रिक टाइल रूफ, वो कहता है कि ईंटों की टाइलों से बनी हुई छत के ऊपर जो बरसात जो है बरसात के समय तेज हवा जब चल रही होती है तो दोनों के आपस में टकराने की जो आवाज़ जो होती है, जब आपस में तेज बारिश हो रही होती है और साथ में बहुत तेज हवा चल रही होती है तो दोनों के बीच में जो टकराहट होती है एनकाउंटरिंग जो होती है उस वक्त जो है ना पैनी से आवाज़ निकलती है, तो वो हाई पिच्ड जो साउंड होती है द हाई पिच्ड साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड
एट द टाइम ऑफ एनकाउंटरिंग बोथ द विंड एंड द रेन ऑन द रूफ ऑफ सम हाउस और एट सम अदर प्लेस इज कॉल्ड द साउंड ऑफ वीपिंग, वीपिंग साउंड, उसको वीपिंग साउंड भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपस में दोनों की बहुत ज़्यादा टकराहट हो रही है और टकराने की वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी तेज आवाज़ निकलती है। तो बेटा यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है, इसमें ये जो लास्ट पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब मैंने जो इसके इसके ऊपर एक मिनट लगा दी, ये आपका अभी भी समझ नहीं बैठा होगा। कभी आपने देखा हो बरसात हो रही होती है, साथ साथ तेज हवा भी चल रही होती है। When it is raining and the wind is also blowing very fast, when both the wind and the rain drops, encounter each other, hit each other, so they produce a kind of sound. और वो एक sharp sound होती है, सहसाटा की sound, सह सह की sound निकलती है, बड़ी सुट्टी सी बजती है, whistling sound होती है, उस sound की बात करने लग रहा है यहाँ पर लेखक। और ये जो बिलोज जो है, ये आपने शायद कभी देखी नहीं होगी, एक हाथों में डाल करके और इस प्रकार से प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, उसको दबाया जाता है और वो एक नली टाइप में होती है, उसको धोकनी बोलते हैं। उनको जब इस प्रकार से हाथ में डाल करके उनको जब हवा आगे पहुंचाने के लिए जब उनको प्रेस किया जाता है तो उनसे कुछ आवाज़ें भी निकलती हैं। तो यहाँ पर ग्रोनिंग का मतलब होता है गुर्राना, जिसको कहते हैं, मेक ए हार्स साउंड, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पर लगाया गया है। चलिए कोशिश कीजिए, बाकी बाद में समझा देंगे, कोई दिक्कत आई। थैंक यू।